मध्य प्रदेश के छोटे से जिले तामिया की रहने वाली भावना डेहरिया ने अपने हौसलों के दम पर एवरेस्ट सहित कई दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की है। वर्ल्ड क्लाइंबिंग डे के मौके पर भावना डेहरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पर्वतरोहण के दौरान आने वाली चुनौतियों और अपने संघर्ष पर खुलकर बात की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भावना डेहरिया का कहना है कि मैं मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह तामिया से हूँ और जब 7वीं क्लास में थी तभी से पर्वतारोही बनने का ठान लिया था। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण के समय कई सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर मौसम भी बदलता रहता है, साथ ही ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद बीमारियों का खतरा भी आप पर मंडराता रहता है। सबसे पहले तो आप सभी को वर्ल्ड माउंटेन क्लाइंबिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये मुझे वर्चुअल हमारे जो हिमालय श्रृंखलाएं हैं भारत की उसको वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। और आज क्योंकि मैं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो कि आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग होती है उसकी भी जज रही हूँ और पार्टिसिपेशन भी रही हूँ। मैंने पहले उसमें क्लाइंब किया है 2012 से और फिर उसके बाद मैंने एडवेंचर फील्ड में कदम रखा और माउंटेनिंग के बारे में समझा। और आप सभी को पता है 22 मई 2019 को मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। क्या कुछ मुश्किलें आती हैं क्लाइंबिंग में खास तौर पे? सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि माउंटेन हमारे नेचर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वहाँ पर वेदर कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो माइनस टेम्परेचर सबसे हार्ड पॉइंट होता है और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं, एक हाइट में जाते हैं और जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, हैपो जैसी बीमारी का भी हमको सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए जो चैलेंज सामने आए लाइक EMS, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ये सब उसके चैलेंज रहे। जब क्लाइंबिंग करते होंगे दौरान आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, तो ऐसी क्या चीज रहती है जो आपकी हौसला उस टाइम बुलंद रखती है? वो जो चीज है क्योंकि जो माउंटेनिंग का सपना था वो मेरे बचपन का सपना था। लाइक 7th क्लास में जब मैंने माउंटेन के बारे में पढ़ा और ये सोचा कि मैं बड़े होकर पर्वतारोही बनूंगी और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, तो उस छोटी क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी जगह तामिया से बिलोंग करती हूँ और उस जगह से निकल कर आना और ये सब अचीवमेंट करना मेरे लिए यही मेरा एक मोटिवेशन का पार्ट है कि हमें ये कभी नहीं मैं भूलती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता है और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसा कि आपने एडवेंचर की बात करी, एडवेंचर में जो अन्य जो छात्राएं हैं जो आने वाले समय में पर्वतारोही बनना चाहती हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़े? बिल्कुल, क्योंकि माउंटेनिंग तक बस एडवेंचर मतलब सीमित नहीं है। माउंटेनिंग तो उसका बेसिक है। जो माउंटेनियर्स होते हैं वो आगे चलकर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं लाइक एडवेंचर फील्ड में हॉट एयर बलून, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, मतलब वाटर है, लैंड है, एयर एडवेंचर एक्टिविटी है, इस सब में स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सबसे एक ही संदेश दूंगी कि बी प्रोफेशनल। अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हैं तो कोर्सेज करें और अपने आप को रेडी करें इन सब एक्टिविटी के लिए और ट्रेन हो और फिर उसके बाद आप इसके मतलब आप इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है या एडवेंचर इंस्टीट्यूट है उनमें आप काम कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एडवेंचर कंपनियां हैं जो आपको इन्वाइट कर सकती है एज ए इंस्ट्रक्टर। बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा अचीवमेंट है और ऐसे और भी मध्य प्रदेश में अचीवमेंट हैं जो माउंटेनिंग की फील्ड में किए गए हैं, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना अपने आप में, ये मैं कहूंगी कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद मैं कहूंगी कि ये दिस इज माय सेकंड लाइफ। हर किसी गेम में या तो जीत होती है हार होती है, लेकिन माउंटेनिंग ऐसा गेम है जो इतना ज्यादा चैलेंजिंग है कि अगर आपकी एक भी गलती आप करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो जान जोखिम में डालकर अगर मध्य प्रदेश को अचीवमेंट मिला है तो उसके लिए हम डिजर्व करते हैं कि हमें भी कुछ अवार्ड मिले और उसके लिए हमको फेलिसिटेट किया जाए। बट अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है तो मेरी है इच्छा कि कभी फ्यूचर में इस टाइप की कुछ हमको अचीवमेंट के लिए कुछ रिगार्ड्स मिले और मैं कंटिन्यूसली अभी जो है इसमें कार्यरत हूँ। लाइक मैं माउंट एक्सपेडिशन जाती हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ जो बिगनर्स हैं उन लोगों को और जो भी मैं एडवेंचर फील्ड में और माउंटेनिंग के लिए कर सकती हूँ मैं करती हूँ। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।